हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 385 नियोजन इकाइयों की बदल जाएगी मेधा सूची, विभिन्न विषयों के साथ कोटिवार भी बदल जाएंगे अभ्यर्थियों का क्रमांक। दिव्यांग लोग को जो फिर से आवेदन करने का मौका मिला है उसकी वजह से 385 नियोजन इकाई जो है उनका मेधा सूची जो है बदल जाएगा। जिले के 385 नियोजन इकाइयों की मेधा सूची बदल जाएगी। विभिन्न विषयों के साथ ही कोटिवार भी मेधा क्रमांक बदल सकता है। हाईकोर्ट में दिव्यांग अभ्यर्थियों से फिर से आवेदन लेने का आदेश दिया है। दिव्यांग कोटे में अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के बाद मेधा सूची में यह बदलाव हो सकता है। तो जब दिव्यांगों का आवेदन आएगा तो उसके बाद मेधा सूची में बदलाव हो ही जाएगा। जिले में छठे चरण के तहत चल रहे शिक्षक बहाली में प्राइमरी, मिडिल से लेकर हाई स्कूल में रिक्ति निकाली गई थी। हालांकि जिले में सभी नियोजन इकाइयों में दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग अलग रिक्ति निकाली गई थी। DEO अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि जिन विषय में 13 से कम रिक्ति थी उसमें नियोजन और आरक्षण के नियमों के अनुसार सीट नहीं दिया गया। इसके अलावा जहां भी 13 से अधिक रिक्ति है वहां 4% आरक्षण नियम का पालन करते हुए नियोजन इकाई में सीट निकाली गई थी। इसके आधार पर रिक्ति भी निकाली गई थी। जिले में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लगभग 2500 आवेदन आए थे और मुजफ्फरपुर के जो DEO है अब्दुल सलाम अंसारी, उनका कहना है कि इन्होंने मतलब जितना भी नियोजन इकाई है 4% आरक्षण के अनुसार ही सीट निकाला था, लेकिन जहां 13 से कम सीटें थी वहां पे दिव्यांगों को नहीं दिया गया था। ठीक है, और बाकी जो है जब जितने भी नियोजन इकाई है वहां पे जो सीटें दी गई सो उसी के अनुसार मतलब 4% आरक्षण के नियम का पालन करते ही दिया गया था। और यहाँ पे लगभग 2500 आवेदन भी आए थे मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर का ही न्यूज है, देख सकते हैं आप। मुजफ्फरपुर रिक्ति यहाँ पे देखिए 1 से 5 में सामान्य का 3485 रिक्ति है, उर्दू में है 784 रिक्ति। वर्ग 6 से 8 के बहाली में कुल रिक्ति 537 है, हिंदी में 178 है, गणित विज्ञान में 14, अंग्रेजी में 88, संस्कृत में 149, उर्दू में 110 है। अब भी 100 पंचायत नियोजन इकाइयों ने नहीं डाली गई मेधा सूची। जिले में अगस्त 2020 से कोर्ट के आदेश के बाद बहाली प्रक्रिया स्थगित है, लेकिन मेधा सूची बनाकर अंतिम अनुमोदन करने का निर्देश विभाग की ओर से दिया गया था। फरवरी के बाद से ही यह प्रक्रिया अभी स्थगित है। 100 से अधिक पंचायत नियोजन इकाइयों ने अब तक मेधा सूची जारी नहीं की है। और मुजफ्फरपुर का ऐसे हालात है कि 100 नियोजन इकाई जो है 100 से अधिक नियोजन इकाई जिसने अंतिम मेधा सूची जारी नहीं की थी। ठीक है, नवंबर 19 तक निर्धारित योग्यता वाले ही कर पाएंगे आवेदन। ये तो हम लोग पहले से देख चुके हैं कि जो लोग 23 नवंबर 2019 तक नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं वही दिव्यांग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह हाई स्कूल के लिए 26 सितंबर तक जो योग्यता पूरी करते हैं वही दिव्यांग आवेदन कर पाएंगे। DPO ने कहा कि विभाग के आदेश के बाद ही आवेदन लिए जाएंगे, आवेदन लेने के बाद मेधा सूची में बदलाव आएगा। ठीक है, तो अब जो आवेदन दिव्यांगों से लिया जाएगा उसके बाद आवेदन लेने के बाद मेधा सूची में थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। आगे देखिए जो भी होता है, आगे जो अपडेट आता है मैं आप लोगों से अपडेट करूँगी। और मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम तरह की न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।